मॉर्निंग हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया दीप। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं उठ गई हूँ। आज मैंने सोचा कि ब्लॉग नहीं स्टार्ट कर लेती हूँ, आज मैं मेरा रूटीन शेयर कर देती हूँ आप लोग के साथ। तो अभी मैं जस्ट उठी हूँ 5 मिनट पहले, मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। और मैं जा रही थी ब्रश करने, सोचा कि आप लोग से थोड़ी देर बात कर लिया जाए, मैं आप लोग को टाइम दिखा देती हूँ। नहीं तो ये देख लीजिए, अभी 6:15 हो गए, मैं जा रही हूँ ब्रश करने। मैं ब्रश करके आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, बाय। सो फ्रेंड, तो मैं ब्रश करके आ गई हूँ और मैं पहले अपना फेस अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। और मैं फेस क्लीन हो गया मेरा, अब मैं थोड़ा सा कुछ पानी पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं आधे घंटे पढ़ाई करूँगी, उसके बाद मैं नहा वहा लूँगी तैयार होके, फिर आप लोगों से मिलूँगी, तब तक के लिए बाय। सो फ्रेंड, तो आप लोग देख सकते हैं मैं नहा के आ गई हूँ, मैं रेडी हो गई हूँ, ड्रेस वगैरह मैंने सब कुछ पहन लिया, मेरी वॉच भी मैंने लगा ली हुई है, और मैंने हाथ पैर में मॉइस्चराइजर लगा लिया हुआ है, और मैंने फेस पे भी कुछ भी नहीं किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कुछ भी नहीं किया हुआ है। और अभी मैं जा रही थी मेरे फेस पे कुछ लगाने, मैंने सोचा कि आप लोग के साथ दिखा दिया जाए कि मैं अपने फेस पे क्या लगाती हूँ कॉलेज जाते टाइम, बाहर निकलते टाइम, और फिर हाँ ये सब सूट हो जाने के बाद फिर मैं जाऊँगी मेरे कॉलेज। और मैं चाहते टाइम भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैं क्या खा के जा रही हूँ, चाय वाय मैं पी के जाऊँगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलो फटाफट से रेडी हो जाते हैं, वरना मैं स्कूल के लिए लेट जाऊँगी, बाय। तो मैं फटाफट से रेडी जा रही हूँ क्योंकि मुझे लेट भी हो रहा है, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, तो मैं फटाफट से टोनर ले रही हूँ हाथ पे। जल्दी जल्दी काम के बाद धोते हुए आज मेरा हाल है, गिर जा रहे मेरे हाथ से ही, टोनर हो गया। उसके बाद मैं फटाफट से सीरम लगा ले रही हूँ, फिर मैं आप लोगों को बता दी मैं मेरी खास चीज क्या बाहर लगा के जाती हूँ। ये देखिए मामा अर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, टाइम नहीं लगा रहे थे, बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है। मैं फटाफट से ओपन करती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए सनस्क्रीन भर भर के लगानी चाहिए बाहर जाते टाइम, तो जरूरी है। आप लोग को लग रहा है ये ज्यादा है, बट 3 फिंगर रूल सबको फॉलो करना चाहिए, सनस्क्रीन सब जगह लगाना चाहिए। अभी अपने आप सोट जाएगा, जब तक मैं सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ तब तक आप फटाफट इसका रिव्यू देख लीजिए। तो हमारे पास मामा अर्थ की 2 सनस्क्रीन है। फर्स्ट है मामा अर्थ की अल्ट्रालाइट इंडियन सनस्क्रीन, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो कैरेट सीड एंड टर्मेरिक, इसमें आपको SPF 50 PA प्लस 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 मिल जाता है, जो कि हमें सन से प्रोटेक्ट करता है। पैराबिन एंड सिलिकॉन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सुटेबल फॉर इंडियन स्किन टोन, मेड सेफ है, ये तो आप सभी को पता है। इसके बाद है हमारे पास मामा अर्थ की विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन सी एंड टर्मेरिक। इसका काम क्या है मैं आपको बता दूं, विटामिन सी लोडेड विथ एंटी ऑक्सीडेंट, इट ब्राइट स्किन एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम यूवी रेज, टर्मरिक पैक विद एंटी इन्फ्लामेटरी बेनिफिट्स, इट हील सनबर्न एंड एड्स ग्लो, जैसे कि मैंने आपको बताया नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है एंड स्किन को ब्राइट करता है, मेड सेफ सर्टिफाइड है, तो आप सभी को पता है। अच्छा, मामा अर्थ के प्रोडक्ट मुझे इतना ज़्यादा क्यों पसंद मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मामा अर्थ प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव है, इट मीन्स एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम मामा अर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट बाय 2025। मामा अर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 million ट्रीज एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव एंड सेकेंड, ये आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा। मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट हैं आपको आपके लोकल मार्केट में मिल जाएंगे, या फिर आप ऑनलाइन लेना चाहें तो आपको मिल जाएगा अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। वन मोर थिंग कि अगर आप मामा अर्थ की ऑफिशियल ऐप से बाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, मामा अर्थ ने अपना ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। तो जब भी आप मामा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट बाय करें मेक श्योर मेरा कूपन कोड DEEP2023 यूज कर लें, इससे आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। वन मोर थिंग गाइस, मामा अर्थ इज प्लास्टिक पॉजिटिव, इट मीन्स दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज एंड ये एक इंडियन ब्रांड है तो आप सभी को पता ही है। पता नहीं क्या होगा, सब बोलते हैं नेहा कहाँ पढ़ाई करती है, किसके स्कूल जा रही हो, किसके कॉलेज जा रही हो तुम, जो बता रहे हैं सब कहते हैं नेहा को सिर्फ काम वाली बाई बना के रखी है, कैमरामैन बना के रखी है, कितना वीडियो शूट करती हो तुम,
जब से आया एक भी नहीं किया। अब लोगों को ये सोचना चाहिए मेरी वीडियो 10-10 दिन नहीं जा रही। अगर नेहा वीडियो शूट करती तो ऐसा होता, डेली मेरी वीडियो जाती। और इनकी पढ़ाई चल रही अच्छा है। आप लोग इसको जरूर एक बार लेके ट्राई करिएगा ये वाला सनस्क्रीन। एक और मैं वो भी दिखा देती हूँ। हाँ ठीक है। सबसे पहले ना मैं ये वाला सनस्क्रीन यूज करती हूँ, बहुत अच्छा है। बट जब से ये वाला है ये मेरा फेवरेट, सबसे ज्यादा अच्छा ये वाला है। मैं दोनों ट्राई करके आप लोग दोनों ट्राई करके बताना सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा। मुझे तो ये वाला अच्छा लगा, आप लोग को कौन सा अच्छा लगा प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाय बाय। खा रहे डेली यही खाती हो? आज आरती नहीं आई है। इतनी भी ज्यादा बारिश नहीं हो रही है, फोन भी स्विच ऑफ कर लिए, फोन कर रहे थे तो स्प्राउट्स खा रही है। और आज मुझे इन हम लोगों को मान लो सबको आरती ने धोखा दिया, और कंट्री डिलाइट वालों ने रोज हम लोगों को देख रहे हो इतना थोड़ा सा पानी दे रहे हैं, इतना बड़ा सा नारियल है, और ये 3-4 दिन से लगातार यही हो रहा है। कंप्लेन करो कोई फ़ायदा नहीं। और हमने ऑलरेडी 1 मंथ का पैकेज ले रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये है हमारा भिगोया हुआ बादाम, इसको खा के पानी पियेंगे नारियल वाला। इसके बाद फिर थोड़ी देर बाद हमारी दीप की चाय रखी हुई है, दीप बिस्किट खा के पानी पीते हैं। तो बस अब फटाक से इनको छोड़ने जाना है, नेहा को लेट हो रहा है। सो फ्रेंड्स आज थोड़ा सा लेट हो गया, हम नहीं जाने वाले थे नेहा को छोड़ने, हम कभी नहीं जाते हैं, दीप ले जाते हैं छोड़ देते हैं 8:30 पे। और बाबू का एग्ज़ाम हो गया है तो अब इनको नए स्कूल में जाना है, 27 से जाएंगे नए स्कूल में। और ये देखो बैठी हैं। तो आज जब हम भी चल रहे हैं, एक्चुअली आरती नहीं आई हुई है, तो दिखने खास चलो आप चलो, फिर आते टाइम आरती को लिवा के आएंगे। हमने कहा ठीक है, तो फिर आगे तो दिखाना। कल एक जन गिरे हैं, अपना टीथ वीथ सब तोड़ लिए हैं, काले हो गए हैं टीथ इनके। तो चलो चलते हैं हम लोग, अभी आप लोगों से बात करेंगे। तो बस नेहा को छोड़ दिए हैं, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। मेरा दांत पापा मेरा दांत दिखा दो बेटा। अभी कोई डॉक्टर नहीं आएंगे बेटा, इतनी सुबह अभी आएंगे ना, दोपहर में दीदी को लेने आएंगे तब दिखा देंगे। हां तब दिखा देंगे, उसे मम्मा को भी तब दिखा देंगे कि बस एक साथ सारा काम कर लेंगे। सो फ्रेंड्स आते टाइम हम आरती को लेवा के आए थे, आरती खाना भी बना दी, जा भी चुकी हैं, 12:15 हो रहा है। अब हम चल रहे हैं नेहा को लेके आने, एक्चुअली बाबू को दिखाना है जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया ही है, तो इसलिए हम भी साथ चल रहे हैं ताकि बाबू को दिखा दें आते टाइम। चलो चलते हैं, वहाँ पर घड़ी लगी हुई है, आप देख लीजिए इतना टाइम हो रहा है। सो फ्रेंड्स हम यहाँ आके 10 मिनट से बैठे हैं, नेहा का कहीं अता पता नहीं है, लापता है, कहाँ है पता नहीं, अभी तक शायद पेपर ही चल रहा है। तो दीप भी गए हैं अंदर, वो भी अभी तक नहीं आए, कॉल लिस्ट में गए हैं। नंदन तुम जाओगे देख के आओगे क्या? रुको पापा पता कहाँ, मैं कॉल ही कर लेती हूँ, आ जाएँ तब बात करते हैं। आके खड़े हैं उनके कॉलेज के सामने, खड़े नहीं हम तो बैठे हैं, कार हमारी खड़ी। क्या हुआ? क्या जी? नहीं कॉल भाई, आगे हो गए एग्जाम। इतना है? नहीं कब से बैठे थे हम तो। अच्छा तो तुम्हारी, अरे आज ना 3:30 बजे से एग्जाम स्टार्ट हुआ, मतलब आज बहुत अच्छा हुआ, लेट हो गया थी, पेपर भी लेट हुआ बारिश की वजह से, और सभी बच्चे। चलो घर खाना भी बनाना है, आरती नहीं आई। नहीं आई, कहाँ गई पता नहीं, वो पता नहीं कहाँ है, उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। चलो चलते हैं किचन दीदी में। आज पता है सिर्फ स्टार्ट खा के आते, भूख बहुत जाम रही थी, इतनी तेज भूख लग रही थी, मैं क्या बताऊँ। अब ऐसे आएगी, अब समझ में आएगा, बहुत तेज भूख लग रही थी आज। वो भी तो नहीं खा के आ रही थी, और डाटा मैंने तब जाके स्प्राउट खाई है। चलो आओ बैठो, मुझे लगा कि जल्दी छुट्टी जाएगी आज, बारिश की वजह से लेट। आज बोली 12 से 1 मिनट लेट मत करना। हाँ और अभी अभी आधे घंटे बचे हैं, मैं आ गई अभी, आधे घंटे भी आ गए, चलो आधे घंटे बचे हैं अभी। अब चलो बताओ क्या बनाओगी, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, देख ली सामने ही सब बन बना के रखा हुआ है, देखना पड़ेगा। आपने तो मेरे को बोला था, मेरे को नहीं पता था, तो बाद में कह रहे खाना बन के रखा हुआ है, आरती आई थी, गए थे लिवा के आए उनके घर में, नंदन के घर में घुस गया।
बोली, हम सोच रहे थे बारिश बंद हो जाए, हम कहे पछता रही होगी बेचारी घर दिखा के अपना। ठीक है भाई, तो हम आ गए थे और हमने हाथ पैर धो लिए, कपड़े भी चेंज कर लिए। जब तक मैं कपड़े चेंज करी तब तक चाची ने मेरे लिए खाना निकाल दिया था, तो मैं खाना खाने जा रही हूँ। आप लोगों ने देख ही लिया, मैं स्क्रीन पर लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिए मैं क्या क्या खा रही हूँ। सबका लौकी की सब्जी, दाल रोटी, अचार, चावल भी है, तो हम लोग खा लें। रायता भी है, अलग बात है तुम नहीं खाती। हाँ, तो हम लोग खा लेते फिर मिलते हैं, बाय। तो हम लोग का खाना कब का हो गया और हम लोग थोड़ी देर ऐसे बैठे थे, फिर मैंने सोचा कि ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, ब्लॉग का एंड हुआ नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं इस ब्लॉग का एंड कर दूँ। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मैं पढ़ाई नहीं करती, स्कूल नहीं जाती, तो मैं पढ़ाई भी करती हूँ, स्कूल भी जाती हूँ। आप लोग ऐसा मत बोला करिए, बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, क्या ही बोले, जाने दो। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो ऐसे पता नहीं कौन कौन सी बातें बोलने लगते हैं, जो हम लोग के साथ होता भी नहीं वैसे ही बोलने लगते कि पढ़ती लिखती है, कुछ नहीं करती है, क्या ही बताएं लोग को। तो हम, मेरा रूटीन कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और क्या था जिसमें, हाँ बीच में चाची भी बात किया था आप लोगों से, तो पूरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू सून, बाय बाय।